क्या समझते हैं कि दलित समाज समाज नहीं है, दलित समाज की संख्या नहीं है, थोड़े से लोगों की संख्या जिन्होंने इतना बड़ा मंदिर अनऑथराइज बना रखे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर अनऑथराइज जगह को घेर कर बनाया हुआ है, लेकिन हमारी संत रविदास मंदिर की ऐसी कोई जगह तो नहीं थी जिसको जबरदस्ती घेर के बनाया हुआ है। इनको और मंदिर नहीं दिखते, इनको और चीज नहीं नजर आती जो अनऑथराइज, जो बाबू जी साहब का यहाँ पे रिज पे बना रखा है इनका इतना बड़ा आश्रम, उनको वो नजर नहीं आया, और रिज पे इतने आश्रम चले वो नजर नहीं आया, ये दलित समाज का ही मंदिर इनको नजर आया। ये एक सोचने और समझने की साजिश है। अगर ये इसी तरीके से एक एक हमारे दलित समाज की चीट लेने चालू कर देंगे तो ये क्या समझ रहे हैं कि जो अपने उनके मंदिर है वो बने रहेंगे। साथियों, हमारा जो सब्र है, अभी हम बड़े आराम से इनसे बातचीत कर रहे हैं, हमारी सांकेतिक हड़ताल तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा गुरु रविदास धाम जो है वहां पे हमें जगह नहीं मिलेगी और वो हमें बनाकर नहीं दे देंगे। जगह तो हमें 100% मिलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके से उन्होंने अपना अपने हिसाब से सारी बातें रखी थी कि उन्होंने हमारे विरोध में वोट दे दी, वो विरोध में उनको हटाने के लिए कह दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का मैंने भी एक आदेश देखा तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ये तो अनऑथराइज जगह पे एक जगह घेरी हुई है, ये नहीं बता रहे कि वहाँ मंदिर है, ये नहीं बता रहे मंदिर है वहाँ पे, अनऑथराइज जगह घेर रखी है जिन्होंने, उसको हमने हटाया है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, अनऑथराइज जगह तो और भी थी लेकिन रविदास मंदिर का ही जगह क्यों हटाई गई। अगर हम लोग यहाँ आकर जो हमारी सांकेतिक हड़ताल है हम इसको जब तक चलाते रहेंगे जब तक हमें वो जगह नहीं मिलती, और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही वो जगह हमें मिलेगी और हम 100% उस जगह को लेकर रहेंगे, चाहे हमें समय कितना ही लग जाए, अब वहाँ पे पूजा पाठ करते रहेंगे, हमें हटा नहीं सकते वो जब तक, और अनऑथराइज जगह नहीं हटेंगी। आगे नौबत ये भी आ सकती है और आ रही है कि हमारे जितने भी रविदास मंदिर हैं जिनके अंदर और देवी देवताओं की जो फोटो लगा रखी थी, अगर ऐसी नौबत आएगी तो हिंदुस्तान के अंदर से जितने भी मंदिर बने हुए हैं, जितने भी रविदास मंदिर बने हुए हैं, जितने भी मूर्तियां और लगी हुई हैं, अगर ऐसी नौबत आ गई तो उन मूर्तियों को वहां से हटाया जाएगा। हम सारे आश्रम होते अपनी मूर्तियां हटा देंगे अगर हमारा ये रविदास मंदिर नहीं बना। हम किसी मंदिर के अंदर भी विरोध करेंगे कि हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी दलित हैं, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जितने भी हमारे रविदास मंदिर हैं, जिनके अंदर स्वर्ण कास्ट के लोगों को आपने पंडित बना के बैठा रखा है, क्यों बैठा रखा है आपने पंडित बना के, उसके अंदर स्वर्ण कास्ट के लोगों को मंदिर में बैठा क्यों रखा है आपने, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे रविदास मंदिर हैं, अगर उस मंदिर के अंदर किसी ने स्वर्ण कास्ट के लोगों को बैठा रखा है, स्वर्ण कास्ट के मंदिर पंडित को लेके बैठा रखा है, तो तुरंत हटा दिया जाए उसको। तो मेरा निवेदन ये है, मैं और अपने साथियों के साथ जितने दिन भी ये सांकेतिक हड़ताल चलेगी संत गुरु रविदास जी के मंदिर के बारे में, जब तक वो मंदिर यहाँ हमारे को जगह नहीं मिल जाती और हम उसको बना नहीं देते, हम हमेशा संत रविदास जी के कार्यक्रम के अंदर आगे बढ़ के काम करते रहेंगे। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।